आपके दो शब्द में? भविकाशी, इसके बारे में तो ये शब्द ही अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि काशी की दिव्यता में तो कहीं कोई कमी नहीं थी, भव्यता में जरूर कहीं कमी थी, जिसका संकल्प हमारे परम प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था और आज वो दिन है जिसे वो पूरा करके दिखाए। तो मोदी जी है, भाजपा है, तो सब संभव है। और आज का कार्यक्रम इसके संचार प्रदेश संयोजक श्री कृपाशंकर सिंह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में किया गया है और मैंने पूरी कोशिश की है कि जन जन तक श्री प्रधानमंत्री जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाया जाए। मैडम, कोरोना के टाइम पे मोदी जी ने भी वहाँ पे कार्य जारी रखा था, जैसे कि उन्होंने 4 साल का टाइमिंग दिया, 4 साल में ही कॉरिडोर बन के तैयार हो गया। सही समय पे पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी ने इस कार्यकर्ताओं को बताया, इसके लिए आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, भाजपा ऐसी पार्टी है जो अपने शब्दों को जो भी कहा वो कर दिखाया, कोविड के होते हुए भी अपना सारा कार्यकाल सही समय पर किया, मानता और जो 24 घंटे वो काम करते हैं ये उनकी योग्यता दिखाने का सबसे बड़ा उदाहरण है, इसके लिए शब्द कम मैडम जी आपके शब्द अच्छे महाराज जी होंगे, काशी होंगे, काशी पे आपको दो शब्द कहने तो क्या कहेंगे बताइए? मोदी जी ने आज भव्य काशी दिव्य काशी का लोकार्पण किया, लोकार्पणासाठी आम्हाला पुष्कळ आनंद आहे आणि मोदीजींच्या आशीर्वादाने आम्ही सर्व काही इकडे आहे बीजेपीवाले, आणि असेच मोठे मोठे कार्यक्रम करावे आपापल्या याच्यामध्ये क्षेत्रामध्ये, सर्व क्षेत्रामध्ये कार्यक्रम व्हावे अशी आमची इच्छा आहे। थँक्यू व्हेरी मच। पहले कि कोई मंदिरों की तरह ध्यान नहीं देता था कि आज की तारीख में पूरा विश्व मंदिर की तरह ध्यान दे रहा है, ऐसा क्या हुआ इसमें? देखिए, समय तो सब एक समान होता है, लोग भी एक समान होते हैं, बस उनको जगाने और उठाने के उत्साहने की एक ज़रूरत होती है जो भाजपा कर रही है। भाजपा बता रही है कि हम हिंदुत्व को आगे आने की ज़रूरत है, हमें अपनी संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है, अगर अब नहीं किए तो काफ़ी देर हो जाएगी।